बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज का फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने कुछ पार्ट लिखे हैं, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ दिए। तो सबसे पहले है 7, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 7 लिखें, उसके नीचे आप पहली चीज दें एडिटिव इनवर्स, चूंकि हमें 2 मालूम करने हैं, एक मालूम करने एडिटिव इनवर्स और दूसरा इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले लिख लेते हैं एडिटिव, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स आपने क्या पढ़ा था? टू चेंज द साइन, तो अगर गिवन में ये प्लस 7 है तो इसका प्लस 7 का आ जाएगा माइनस 7, और इसी का अगर हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर इसका बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 7 का तो चेंज द नॉमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, तो किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम आर बस कंसीडर करते हैं 1, तो 7 का क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। यानी 7 गिवन था, इसके नीचे हमने 1 देखा, तो मल्टीप्लिकेटिव बनाते वक्त हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे। इसी तरह पार्ट दूसरे है, हमारे पास 23 है, इसका एडिटिव क्या आ जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा प्लस 23 है तो इसका आ जाएगा माइनस 23, और जो मल्टीप्लिकेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा जी? वो हो जाएगा 23 था गिवन में हमारे पास, ये माइनस 23 इसका एडिटिव आ गया, तो इसको हो जाएगा 1/23। 23 के नीचे कुछ गिवन नहीं था तो हमने आर से कंसीडर करना था 1, तो 1 नॉमिनेटर में चला जाएगा और 23 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/23। इसी तरह -1 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? टू चेंज द साइन, तो एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? -1 है तो +1 हो जाएगा, ये आ गया +1 एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा हमारे पास -1 है तो ये आएगा, यानी -1, यानी सिंपली ये आएगा कि -1 था और आपने इसके नीचे 1 किया, दोनों कैंसिल किया तो वापस भी ये वही -1 आएगा वापस, सॉरी -11 है। -11 का एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो आएगा +11, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो हो जाएगा -1/11। ये याद रखने मार्टी पर, जब हम एडिटिव इनवर्स करेंगे साइन चेंज करेंगे, लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो सिर्फ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, हम अपने साइन को चेंज नहीं करेंगे, तो साइन एज इट इज वापस आएगा। तो इसी तरह ये -6/23 है, तो -6/23 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -6/23 का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा आपके पास +6/23, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा, तो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू साइन, साइन एज इट वापस आएगा, साइन के साथ हमने किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो ये आ जाएगा 23/6 आ जाएगा। मोस्टली गलती यहाँ से होती है कि जब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाते हैं तो साथ में साइन को चेंज कर देते हैं, तो साइन को चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाने और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाने, ये हमने कुछ किया क्वेश्चन नंबर 1 को यूनिट पार्ट किए। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सिंपलीफाई, इसमें आपके पास मिले जुले आएंगे, कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे, कुछ एडिटिव इनवर्स कहेंगे, कुछ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर आएगी, कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर आएगी। सिंपलीफाई द फॉलोइंग, तो क्या क्या सिंपलीफिकेशन में आपके पास जो पार्ट 1 है उसमें दे रहे जी, 1/8 दे रहे माइनस -8 into -5/8। तो मैंने टॉपिक के शुरू में आपको ये चीज समझाई थी कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे
नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से करें या डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से करें, उससे पहले हमेशा साइन को चेंज करें, साइन की मल्टीप्लिकेशन करें। तो 1 बाई एड आप इसी तरह लिखें, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस और 5 बाई एड। तो आगे ले लें एलसीएम ले लें, तो इन दोनों अक्षरों के सेम डिनोमिनेटर हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 8। एड वन इज एड, वन वन इज वन, प्लस एड वन इज एड, वन फाइव इज फाइव, तो इसका आगे 6 बाई एड। तो यहाँ हमने देखा ये दोनों एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 6, 2 4 8, तो इसका आ गया 3/4। यानी इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि जब भी सिंप्लीफिकेशन में आप देखें बाहर माइनस है लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपके पास अगर कोई साइन है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास कोई क्या है साइन है, तो फिर हमेशा साइन को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो सूत्र बनती है, जो कंडीशन बनती है एलसीएम आ रहा है, एलसीएम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रही, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसी तरह इसका एक पार्ट है मेरे पास, पार्ट बी डबल आई 7 है, पार्ट 1/11 जी, 1/11 मेरे पास, और प्लस इनटू माइनस 5 बाई 8 है, और प्लस 10 बाई 11 यहाँ एड कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को जब गौर चेक किया तो फिर वही मल्टीप्लिकेशन आप साइन वाली बात आ गई, इसमें आपको ये चीज सिखाई जा रही है कि अच्छा ये पार्ट 7 आ गया हमारे पास, 1/11 प्लस इनटू माइनस 5/11 और प्लस 10/11 है। तो इसमें आपने क्या देखा, हमारे पास तीन टर्म्स आ गई हैं, प्लस की माइनस की, प्लस की और फिर प्लस की, तीन टर्म्स हैं, लेकिन पहले दो टर्म्स आपस में जो सेकंड टर्म है इसमें आप इस जो ब्रैकेट में माइनस दे दिए, तो सबसे पहले आप इस माइनस को या इस सब्ट्रैक्शन को कैंसिल करेंगे, तो इसका यू ही काम सीखे हुए हैं, प्लस माइनस माइनस कर दिया और साथ में 5 बाई क्या आ जाएगा 11 और फिर बाद है 10/11। तो इसमें आप सिर्फ ये चीज़ सिखाई जा रही है कि जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई से पहले ये देखें कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन गिवन है इसको, तो उस साइन को पहले सिंप्लीफाई करें। तो जो क्वेश्चन का आगे शक्ल बनी गई, यानी ये हमारे पास अभी एलसीएम वाला प्रोसीजर आ गया, तो यहाँ एलसीएम ले लिया, तो 11 तो 1 माइनस 11 इज 15 इज 5 और प्लस 11 इज 11 10 इज 10। तो 1 में से 5 को किया माइनस, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 4 आ गया, और माइनस 4 को 10 में से माइनस किया तो ये आ गया 6/11। तो ये हमारे पास आ गया प्रोसीजर की कैसे ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन गिवन हुए हैं तो उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसी का एक पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है, यानी पार्ट 12 में एक्स आई, ये है हमारे पास 1/11 प्लस 11/10 और साथ है जी प्लस इनटू माइनस 22/5 है। तो पहले दो ऐसे कहें, बल्कि इनका एलसीएम अगर पहले ले लें या इन दोनों को ख़त्म कर लें, तो पहले ऐसा कर लेते हैं इन दो साइन को ख़त्म कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सबके साथ ही एलसीएम ले लें। तो ये तो सिंप्लीफाई है, ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है, तो प्लस माइनस ही आपने माइनस कर दिया, 22/5 आ गया, एलसीएम आ जाएगा इसका जी 5, 10 और 11 का। ये
ये हमारे पास आ गया जी कितना जी 4 and 4 तो ये 1 3 1 पे दो प्लस किया इसमें से 4 and 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा 1 3 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच गया जी हमारे पास 3 5 3 4 1 1 0 ये छोटी वैल्यू में से हमने बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो साइन जो हमारे पास आएगा वो नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का आएगा तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट किए तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को साथ कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाए वो बन जाए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 तो इसमें भी ये जी सिंपलीफाई है मिक्स क्वेश्चन है इसी के तो सिंपलीफाई में हमारे पास जो पहला आ गया जी वो 8/9 और 3/4 है तो ये आपने टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर मल्टीप्लाई यहां से पता चलता है कि एक मीन है मल्टीप्लाई है एडिटिव और से या क्या है तो दो रैशनल नंबर के दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो उसके ये मतलब है ये हमारे पास ये किस को कांसेप्ट अलग करते हैं बिलोंग करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर से है तो उसको हमने ये सीखा था कि पहले क्वेश्चन को कम से कम यानी रिड्यूस करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि फिर जो बाकी बचे उसको मल्टीप्लाई करना आसान हो तो अब ये मजीद नहीं हो सकता मैंने कैसा किया है 4 minus 4, 4 2 ऐड कर दिया 3 minus 3, 3 3 9 अभी 2 minus 2 आ गया और 3 minus 3 आ गया तो ये इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई इसी तरह हमारे पास है -15 ये पार्ट 5 है -15/28 और आगे 14/30 तो ये यहाँ ब्रैकेट है तो पहले आप इसको क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यूज नहीं है इसको आप सिंपली विदाउट ब्रैकेट इस तरह लिख सकते हैं 15 2s are 30 14 2s are 28 1 1 is 1 plus minus minus किया 1 1 is 1 किया और 2 2s are 4 कर दिया इसमें आपको ये चीज सिखाई गई है कि अगर -5 और 3 है और पहले ब्रैकेट है उसके साथ कोई साइन है और दूसरा ऐसे है जो विदाउट ब्रैकेट है इसमें क्या करेंगे किसी किस्म का कुछ सिर्फ आपने ब्रैकेट को उठाना है और सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन अगर ये इसी ऑर्डर में लिख दूं -5 और 3 5 और 3 और मल्टीप्लाई में इसके साथ माइनस आ जाता और यहाँ ब्रैकेट होता तो फिर हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अगर इधर बाद माइनस है इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस फिर आगे अपने करते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं ये अगर से कैंसिल हो रहा है या ये से कैंसिल हो जिस तरह से ये रिड्यूस हो सकते हैं सिंपलीफाई हो सकते हैं इसी के एक बार मेरा ये एक्सरसाइज आज की हमारी 2.2 जो है कैंसिल हो गई है ख़त्म हो गई है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे 2.3 स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं इंशाल्लाह next lecture. Thank you for watching.